आपने यो-यो के साथ काम किया, आपने बादशाह के साथ काम किया, तो जो पॉप म्यूजिक वर्ल्ड में मतलब आप सब सुपरस्टार्स हैं, तो कोई मतलब ऐसी इनसिक्योरिटीज नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं होते? नहीं, ये लोगों के बीच में ही है। मैं जब मुझे याद है 2009 या 8 की बात है ये, मैं जब पहली पंजाबी एल्बम हनी सिंह के साथ करनी थी, तो जब मैं दोपहर को पहुंचा था उनके घर, तो जब मैंने डोर नॉक किया था तो बादशाह ने डोर खोला था और हनी अंदर सो रहा था, तो ये इकट्ठे काम। हाँ, पंजाबी मुंडीर ना। हाँ, माफिया मुंडीर। माफिया मुंडीर। हाँ, तो ये दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट है। बादशाह बहुत अच्छे लिखते हैं, रैप बहुत अच्छा करते हैं। आज भी मेरी बात हो रही थी, एक यीजी 350 करके एक शूज है, वो मिल नहीं रहे, मैंने उसको बोला था, वो एडिडास में, मेरे को ले दे यार वो। तो वो बोला था कि जान मांग लेते भाई, दे देता, यीजी 350 नहीं मिल रहे आजकल। सो ये कान्ये वेस्ट को भी मैं बोलना चाहता हूँ, किम कार्डशियन के हस्बैंड, प्लीज जब शूज बनाते हो ना, तो भाई उसको मतलब आउट ऑफ स्टॉक मत किया करो दो लोगों को। अब तो आप सब इंडिविजुअली फेमस हो, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो फिर मतलब कोई, ये सारे बंदे ना म्यूजिक को बहुत प्यार करते हैं बेसिकली, तो कोई टेंशन नहीं होता, और सारे के सारे बच्चे विद मैं भी इंक्लूड, और आर्टिस्ट है वो ऐसे ही है, बच्चे थोड़ी इनसिक्योर, ये तो होगा यार, ये इसका गाना अच्छा है, मैंने अच्छा बनाना है, मैं ये तो होना भी चाहिए, तभी अच्छे अच्छे गाने बने। लेकिन पॉलिटिक्स नहीं होता। अरे ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ये पॉलिटिक्स करते होते ना, तो इस मुकाम पे कभी नहीं आ सकते। हाँ, आसपास के लोग पॉलिटिक्स कर सकते हैं, ये जो बंदे हैं जितने भी, चाहे हनी सिंह है, बादशाह है, ये जो आर्टिस्ट मुझे लगता है कभी नहीं कर सकता। अगर वो करता है, वो उस मुकाम पे आ ही नहीं सकता, और ना ही भगवान आपको उस मुकाम पे खड़ा रहने देगा। आसपास के बंदे या कुछ देखने वाले वो बना सकते हैं बात, ये हालांकि ये नहीं, नहीं अब ये हिट हो गया है, इसमें अकड़ आ गई है। अगर आप सोचोगे कि बंदे में अकड़ आ गई है, तो लगेगा ही आपको। लेकिन दिलजीत, अकड़ आना भी नेचुरली चीज है ना। हाँ। अब आप अंदर आए लोगों के, मैं अकड़ लग रही हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आप देखते हैं इतने लोग आपसे इतने खुश हो जाते हैं, तो मतलब अकड़ कैसे दूर कैसे रखते हैं? एक कुदरत है जो पता नहीं लगन दी बंदे नू, और जे अकड़ ना आए फिर दूजे दी बारी किवें आवे। एक बंदे की में अकड़ नहीं, मतलब मैं नहीं समझी, जब एक बंदे में अकड़ नहीं आएगी, हाँ, वो उसका दिमाग खराब नहीं होगा, तो दूसरे बंदे की बारी कैसे आएगी? तो ये कुदरत करती है सारा। बस इसी चीज का डर है कि जब वो आ रही है और पता भी नहीं चलता बंदे को लगता है कि मैं राइट हूं। हाँ। ये मेरे साथ वाला बंदा समझ नहीं रहा मेरी बात। हाँ, हाँ, बिल्कुल। 10 बंदे इधर 10 बंदे इधर, तो चक दे फटे, हुण मैं ही हां, ना मेरा गाना फ्लॉप होना, ना मेरी कोई फिल्म फ्लॉप होनी है, बस मैनू इदां लोकी प्यार करदे वधी जाना, पर नहीं, बारी बाकियां दी भी आउणी है। मैंने मिस्टर बच्चन से एक बार पूछा था, वाह वाह, कि कैसे मतलब 40 साल 50 साल आप सुपरस्टार हो और वो इतने हम्बल हैं, अगर आप उनको बोलो कि आप सुपरस्टार, वो कहते हैं कि ये तो आपने बोला है, मैं कभी नहीं बोला। लेकिन ये कैसे फिर आप मतलब कॉन्शियसली ट्राई करते हैं कि नहीं? एक्चुअली अगर उन्होंने ऐसा बोला होगा तो सच बोला होगा। हाँ, सच बोला होगा, वो नहीं फील करते होंगे अपने आप। हाँ, वो बिल्कुल नहीं, वो कहते हैं ये तो मीडिया का वो है, लेबल बनाया हुआ है। 100% आप लोगों की सुनते जो आपके? हाँ, सबकी सुनता हूँ, सबकी सुनता हूँ, लेकिन मैं अपनी मानता हूँ तो सिर्फ अपनी मॉम की, उनकी बात मैं मान सकता हूँ, बाकी तो फिर मैं अपना दिमाग चलाता हूँ, टहना टहना। लेकिन अगर क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट्स होते हैं जैसे डायरेक्टर के साथ या राइटर के साथ, तो फिर मतलब आप कभी कहते हैं नहीं मैं इतना सक्सेसफुल सुपरस्टार हूँ, मेरी बात सुनो? नहीं, ऐसा नहीं। आप कभी मतलब अपना क्लाउट उस तरह से यूज नहीं करते? नहीं, क्योंकि वो इसलिए नहीं करता मैं, क्योंकि एक्चुअली मेरा फील्ड नहीं है, फिल्म के फील्ड में तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं ना टेक्निक का पता है, ना मुझे लाइट का पता। कई बार दूसरे आर्टिस्ट मेरे को बोलते हैं यार मेरी लाइट तो छोड़ दे, तो मैं कहता हूं पगड़ी कहाँ से तेरी लाइट भाई। तो इन सब चीज़ों का तो पता नहीं, तो फिर मैं बस इंजॉय कर रहा हूँ, वैनिटी इंजॉय करता हूँ, ये कभी लाइफ में होनी नहीं थी, कहाँ वैनिटियों में बैठने वाले बंदे थोड़ी हैं, तो एक एक चीज़ मैं इंजॉय करता हूँ, वैनिटी हो गई, लाइट हो गई, स्पॉट मिलता है आपको, है ना, तो ये सब चीज़ें कभी लाइफ में मैं गांव का बंदा, मैं कहाँ देखनी थी ये सब चीज़ें, ब्लैक कॉफ़ी, चाह नहीं मिलती चली करे। ब्लैक कॉफ़ी। सो ये स्टैंडर्ड भी है, तो तुम्हें जगा के भी रख दी है। सो साढ़े रही, चलो पंजाबी जा गया हूँ मैं, मतलब जो पिंड परौना आता ना जी, मतलब गाँव में जब कोई आपके परौना को क्या बोलते हैं, गेस्ट। हाँ। जब गेस्ट आता ना, हमारे जब गेस्ट आता था तो एक बाल्टी में रूह अफजा बनता था जी, और मेरे को यही टेंशन रहती थी ये साले सारा ना पी जाए। मतलब ये जाएंगे तो थोड़ा सा तो जुड़ के जाएंगे ना, तो फिर ये भी टेंशन होती थी साली बर्फ ना खोर जाए, मुझे बर्फ होती है ना उसमें, वो मतलब खोर ना जाए, ठंडा पीना है, तो मैं वहाँ से आया हूँ, तो
ये सब चीजें तो बहुत बड़ी है, मेरी औकात नहीं इन सब चीजों में। तो आप कैजुअली ले, यू आर इजी, वेरी इजी। फॉर मोर सच अपडेट्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऊप्स टीवी। अते नवी वीडियोस ले नोटिफाइड रहने ले काइंडली प्रेस द बेल आइकन।